इसके मतलब पुजारी होंगे वो डोबरियाल कास्ट के होंगे, और जो इसके सेवक होंगे वो बकरोड़ी जात के ही लोग करते हैं वहाँ के सेवक लोग। कहा जाता है कि गोरखास जब गढ़वाल की तरफ आए थे तो उन्होंने 51 गढ़ों को जीत लिया था, लेकिन जो आपका यह लंगूरगढ़ है उसको नहीं जीत पाए थे। हाँ जी, वो यही तो चमत्कार हुआ था जब मतलब उन्होंने 51 गढ़ को जीत लिया था उत्तराखंड के, तो उन्होंने इस गढ़ जो भैरो लंगूरगढ़ है इसको जीत नहीं पाए थे वो। आप ये वैली देखिए, खूबसूरत, बिल्कुल गहरी वैली है। और जो आपका ये सामने देखिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, ये राजकिल गांव है। जो आपको छोटे छोटे मकान दिख रहे होंगे ये राजकिल गांव है, डोबरियालों का गांव। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष डोबरियाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, इस समय मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के गुमखाल में, जो कि आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और गुमखाल से हम लोग जाएंगे भैरवगढ़ी मंदिर के दर्शन करने। अब ऐसा है कि अगर आपको भैरवगढ़ी मंदिर के दर्शन करने हैं तो सबसे पहले आपको गुमखाल से कीर्तिखाल पहुँचना होगा, जो कि गुमखाल से कीर्तिखाल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर का है। जब आप गुमखाल से कीर्तिखाल की तरफ पहुंचोगे 6 किलोमीटर मतलब ट्रैवल करने के बाद, तो आपको कीर्तिखाल पहुंचकर फिर से ऊपर की तरफ आपको चढ़ाई करनी होगी लंगूरगढ़ के लिए। और कीर्तिखाल से लंगूरगढ़ की जो डिस्टेंस है वो करीबन 2 से 3 किलोमीटर की है। और कीर्तिखाल जाने से पहले एक बार मैं आपको गुमखाल मार्केट की एक झलक दिखा देता हूँ। तो ये सामने गुमखाल मार्केट है, गुमखाल, और ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। ये सामने गुमखाल मार्केट, मेरी रसोई, न्यू डिलेक्स स्वीट शॉप, और ये सब्जियां लगी हुई, और ये पहाड़ी दाल सामने, एक और सब्जियों की दुकान सामने, एक और ये पहाड़ी दालों की दुकान है। यहाँ पे सब पहाड़ी दाल वगैरह सब मिलते हैं। और भाई जी ये क्या चीज़ है, क्या किस चीज़ का? भांग का दाना। एक बार देख दिखाइए। 100 का 50 रुपये दोस्तों, ये भांग का दाना है। इससे क्या बनते हैं? चटनी वगैरह बनती है ना, चटनी बनती है। और ये सामने जखिया रखा हुआ है, मैं जखिया दिखा देता हूँ भाई जी। ये जखिया है ना, जखिया दिखा दीजिए। हाँ, ये देखिए, ये जखिया है, जो खासकर जो हमारे पहाड़ों में जो खाने वगैरह बनते हैं उसमें इन जखियों का तड़का लगाया जाता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि खानों में जीरा का तड़का लगता है, लेकिन यहाँ पहाड़ों में जब भी खाना पकाए जाते हैं तो उसमें जखिया का तड़का लगता है। ये देखिए सामने, और ये कुछ कुछ आपके जो चाय के पत्ती होते हैं उसकी तरह लगता है। ये लीजिए, धन्यवाद। ये ना, अच्छा, ये देखिए, ये रहा जखिया। ये पहाड़ी दाल है जो आप सामने देख रहे हो, सारी की सारी पहाड़ी दाल है। भाई जी ये क्या, कौन सी दाल है? तुअर, तुअर। अच्छा, इसको तूर बोलते हैं। ये झंगोरा। और ये क्या चीज़ है दोस्तों? ये झंगोरा है, ये पौधा। अच्छा,
ये कोदा है, इसको आटा मंडुआ, इसको मतलब पहाड़ी मतलब यहाँ गढ़वाल तरफ कुमाऊँ में भी ना शायद गढ़वाल और कुमाऊँ की तरफ इसको मंडुआ काटा का मंडुआ काटा कहा जाता है। मंडुआ यानी कि जो नॉर्थ इंडिया में जिसको रागी भी कहा जाता है, ये आपकी रागी है। और भाई जी कौन सी दाल है ये, क्या है भंगजीरा? अच्छा ये तिल, ये सारा ये भी ये तिल है, सफ़ेद तिल, और ये सामने काले तिल है। ये क्या भाजी ने काला तिल भाई साहब? ये वाइट तिल है, 50 रुपए 200 ग्राम, 200 ग्राम चो। दोस्तों उत्तराखंड के पहाड़ों में या खासकर ये यूँ कहें कि जो हिमालय के क्षेत्र हैं उसमें एक बुरास का फूल उगता है जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट और हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बुरास का जूस भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये सामने बुरास का जूस है, कुछ इस तरीके से पैकिंग की जाती है इस बुरास के जूस की। मैं चाहता हूँ कि अगर आप भैरवगढ़ी मंदिर जाते हैं और अगर आप एक दिन के लिए नाइट स्टे करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बजट में नाइट स्टे करना चाहते हो तो आप कोटद्वार में रुकें, क्योंकि कोटद्वार में बहुत सारे होटल्स वगैरह मिल जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा बजट में आपको मिल जाएंगे, यानी कि 200 से लेकर 400 रुपए तक आपको सिंगल रूम मिल जाएगा कोटद्वार में। लेकिन गुमखाल में ये दिक्कत है कि यहाँ पे आपके होटल्स और रिजॉर्ट्स वगैरह तो हैं लेकिन वो आपको थोड़े बजट्स में नहीं पड़ेंगे, वो आपको उस तरीके से रेट मिलेगा 700 रुपये 1000 रुपये 1200 रुपये, इस रेंज में ही आपको गुमखाल में ज़्यादातर रिजॉर्ट्स मिलेंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बजट में नाइट स्टे करना चाहते हो तो आप कोटद्वार रुक जाइए, और कोटद्वार से गुमखाल का जो रास्ता है वो कम वो मुश्किल से 30 किलोमीटर का है। तो चलिए बिन ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं गुमखाल से भैरवगढ़ी मंदिर की ओर। सबसे पहले कीर्ति खाल जाएंगे, फिर कीर्ति खाल से हम भैरवगढ़ी मंदिर की ओर जाएंगे फिर। और ये कीर्ति खाल जाने से पहले का ये देखिए आप, ये सामने स्मृति द्वार है और यहीं से हम कीर्ति खाल के लिए जाएंगे पहले। सबसे पहले आपको गुमखाल से कीर्ति खाल पहुंचना होगा जो कि गुमखाल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और फिर कीर्ति खाल से भैरवगढ़ी के लिए सीधी ऊपर की तरफ चढ़ाई है जो कि कीर्ति खाल से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कुल मिलाकर गुमखाल से भैरवगढ़ी मंदिर लगभग 8 किलोमीटर आप मान लीजिए। तो गाइस फाइनली गुमखाल से 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मैं अब कीर्ति खाल पहुँच चुका हूँ, और मेरे सामने ये कीर्ति खाल गाँव है। ये देखिए सामने ये कीर्ति खाल गाँव, और कीर्ति खाल गाँव में मौजूद ये कुछ आप के सामने मकान हैं दिख रहे होंगे। ये देखिए ये कीर्ति खाल, और ये कीर्ति खाल गाँव में मौजूद कुछ दुकानें हैं, आपको इनकी एक छोटी सी झलक दिखा देता हूँ। ये कीर्ति खाल गाँव का आप मार्केट देख रहे हो, और यहीं कीर्ति खाल गाँव से ठीक ऊपर ये श्री भैरवनाथ द्वार है जहाँ से हम भैरवगढ़ी मंदिर के लिए जाएंगे। आप ये सामने द्वार में देख सकते हो लिखा हुआ, स्वर्गीय श्री चंद्रमणि डोबरियाल की स्मृति में निर्मित द्वारा मंगत राम डोबरियाल ग्राम लंगूरी सन 2002। और भैरवनाथ मंदिर जाने से पहले हम लोग प्रसाद ले लेते हैं।
भाजी ये भैरवनाथ मंदिर का प्रसाद कर दीजिए, ये बेली भैरवनाथ मंदिर से। अच्छा, प्रसाद भी डालना है? और नहीं नहीं, केवल भैरवनाथ मंदिर का। धूप डालू? हाँ, धूप वगैरह डाल दीजिए। ठीक है। और ये भैरवनाथ मंदिर जी के लिए हमने प्रसाद ले लिया, क्योंकि हमें केवल भैरवनाथ मंदिर जी के ही दर्शन करने थे, तो केवल उन्हीं का प्रसाद लिया हुआ है। वैसे कितने प्रसाद आप बन जाते हैं यहाँ से? ये तो अभी आपका बना है 70 रुपये का। अच्छा, ये केवल भैरवनाथ मंदिर का। प्रसाद चढ़ता है 4 पैकेट प्रसाद, धूप माचिस नारियल जौ तिल तेल भेली। अच्छा, तो ये पूरा प्रसाद बनता है 220 रुपये का। अच्छा, 220 का पूरा प्रसाद। उसमें श्रृंगार भी मिलता है, तेल भी मिलता है, जो भी मिलता है। अच्छा, 4 पैकेट चारों मंदिर का प्रसाद। ये जो 220 का जो आपने प्रसाद बताया, ये मतलब किस तरीके से? भेली तो भैरवनाथ में चढ़ेगी। अच्छा, कच्चा नारियल होता है वो काली माता के मंदिर में टूट के आएगा प्रसाद उसका। अच्छा, बगल में हनुमान जी का मंदिर है, इसमें ये वाला प्रसाद चढ़ता है। अच्छा, गुड़ चने वाला। और यहाँ वैष्णो माता का मंदिर है फर्स्ट में जो, तो उसमें श्रृंगार और चुन्नी चढ़ती है और प्रसाद चढ़ता है। अच्छा अच्छा, मतलब कि जो चार मंदिर है, चार मंदिरों का मिला के 220 का बनता है। तेल है, जैसे भैरवगढ़ी में जाओगे आप अखंड ज्योति चलते, उसमें तेल डालते हैं दिए में ना। अच्छा अच्छा, बड़ा दिया है वहाँ पर खंडित ज्योति, जैसे जो है ये। अच्छा, जो काली माता के मंदिर से किनारे किनारे दाहिने तरफ भैरवगढ़ी तक डालते डालते जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। और चलते अब भैरवगढ़ी मंदिर की ओर। और भैरवगढ़ी मंदिर जाते हुए ये इन्होंने शेड्स बना रखे हैं, आप ठीक मेरे ऊपर देख रहे होंगे बनी हुई। और आज से कुछ साल पहले, यानी कि 6-7 साल पहले, जब मैं यहाँ पे आया था भैरवगढ़ी के दर्शन करने के लिए, तो उस समय ये मंदिर नहीं, यह शेड नहीं हुआ करता था। मे भी शायद ये जो शेड जो आप देख रहे हो, यह भी हाल फिलहाल का ही बना हुआ है। और ये भैरवगढ़ी मंदिर जाने से पहले का ये पहला पड़ाव है, जो कि वैष्णो देवी जी को समर्पित है। ये सामने हम देखिए वैष्णो देवी मंदिर, और साथ ही साथ यहाँ पे बैठने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। ये देखिए सामने, और यहाँ से आप खूबसूरत नज़ारे देखिए, यहाँ पे आप घंटों बैठ सकते हैं, और यहाँ से पहाड़ के वादियों का नज़ारा ले सकते हो आप यहाँ से। ये देखिए, पंडित जी आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है सचिन डोबरियाल, और मैं लंगुरी गांव से हूँ, और ये वैष्णो माता में पुजारी का काम करता हूँ। और जो ये भैरव लंगूरगढ़ है, इसका ये इतिहास है कि मतलब ये जब हमारे उत्तराखंड में जो 52 गढ़ है उन पे गोरखों ने आक्रमण किया था, तो इस गढ़ को भी वो जीतने के लिए आए थे, लेकिन इसको जीत नहीं पाए थे। और भैरव बाबा की जो ये नेपाल से आ रखे हैं, इन्होंने जब सन 1800 की बात है, जब जो ये भैरव बाबा का मंदिर है वहाँ पर मतलब पहले जंगल था, तो चीड़ का पेड़ था एक छोटा सा, तो उसके नीचे एक बखोड़ी गाँव है, वहाँ का कोई एक आदमी था, वो अपनी गाय भैंस वगैरह चराता था। तो उनके पास एक भैंस थी जो मतलब गाय अपनी दूध वहीं पर छोड़ती थी चीड़ के ऊपर। तो एक दिन क्या हुआ कि जब उस आदमी ने छिपके देखा कि मतलब इसका दूध गाय पेड़ के ऊपर छोड़ रही है, तो मतलब इसका उसने रहस्य जानने की कोशिश की, और जब उसने छिपके देखा तो गाय अपना दूध पेड़ के ऊपर छोड़ी थी, तो उसने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा तो उसमें से खून निकल गया। तो उसको शाम को जब भैरव बाबा ने उसको सपने में
दर्शन दिए कि अब मैं वहाँ पे आ गया हूँ और वहाँ पे अब मेरा मतलब मंदिर बनना चाहिए। और जो इसके मतलब पुजारी होंगे वो डोबरियाल कास्ट के होंगे और जो इसके सेवक होंगे वो बकरोड़ी जात के ही लोग करते हैं वहाँ के सेवक लोग। और यहाँ पे मतलब जून के महीने में एक दिन का मेला भी लगता है और सावन में यहाँ पूरा महीना कीर्तन भंडारा वगैरह होता है और जो भी यहाँ भक्त आते हैं उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। भाई जी, ये भी कहा जाता है कि गोरखास जब गढ़वाल की तरफ आए थे तो उन्होंने 51 गढ़ों को जीत लिया था, लेकिन जो आपका यह लंगूरगढ़ है उसको नहीं जीत पाए थे। हाँ जी, वो यही तो चमत्कार हुआ था जब मतलब उन्होंने 51 गढ़ को जीत लिया था उत्तराखंड के, तो उन्होंने इस गढ़ जो भैरव लंगूरगढ़ है इसको जीत नहीं पाए थे वो। तो भैरव बाबा ने ऐसा चमत्कार किया था कि वो यहाँ से मतलब चले गए थे वो यहाँ से भाग के। तो उन्होंने जो अभी हनुमान गड्डी के नाम पे है वहाँ पे मतलब उन्होंने खंडित कर दिया था उस मंदिर को, तो वो यहाँ से उस पहाड़ से यहाँ इस पहाड़ पे आ गए जहाँ पे अभी वर्तमान में भैरव गड्डी के नाम से मंदिर है, तो वहीं पे उनका निवास स्थान है। तो वहीं पे मतलब भक्त लोग आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेके और जो भैरव बाबा है वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और बहुत मतलब मान्यता है इस भैरव बाबा की। और ये इसको गढ़वाल के रक्षक भी माना जाता है, जो ये भैरव बाबा है ये गढ़वाल के रक्षक है। तो यहाँ पे मतलब बहुत भीड़ होती है सावन के महीने में, यहाँ पे कीर्तन भंडारा होता है, कीर्तन मंडलियाँ आती है यहाँ पे और भंडारा होता है पूरा महीना। जून के महीने में यहाँ पे एक दिन का मेला लगता है, करीबन मतलब हज़ारों लोगों की यहाँ पे भीड़ होती है और वैसे भी यहाँ पे भक्तों का आना जाना लगा रहता है। बहुत मतलब यहाँ पे मान्यता है इस मंदिर की और दूर दूर से भी लोग आते हैं, बाहर के भी टूरिस्ट लोग आते हैं, दिल्ली हरियाणा पंजाब वगैरह आदि के लोग भी आते हैं और बहुत मान्यता है इस मंदिर की। जो भी लोग अपनी श्रद्धा से यहाँ पे भंडारा देना चाहते हैं वो लोग देते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद यहाँ पे भंडारा होता है। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, ये थे सचिन डोबरियाल जी जिन्होंने लंगूरगढ़ और यहाँ के बारे में जानकारी दी आपको। आई होप कि आपने सुना और आपको समझ भी आया होगा इस जगह के बारे में। दोस्तों, वैष्णो देवी मंदिर से भैरवगढ़ी की चढ़ाई भले ही 2 किलोमीटर हो, लेकिन पहाड़ के 2 किलोमीटर की चढ़ाई कम नहीं होती। और चलते चलते मैं भी काफ़ी थक चुका हूँ। और आपको पहले ही बता दूँ कि अगर आप कीर्ति खाल से ऊपर भैरवगढ़ी मंदिर के लिए जा रहे हो तो अपने साथ पानी और भोजन साथ में ही लेकर चलें, क्योंकि ऊपर भोजन या पानी की ऐसे कोई भी व्यवस्था नहीं है। और इस समय मैं वैष्णो देवी मंदिर और भैरवगढ़ी मंदिर के बीचों बीच मौजूद हूँ और ये यहाँ से नज़ारा देखिए आप। और ये सामने पहाड़ के खेत और सामने कुछ मकाने भी यहाँ पे बनी हुई है। तो चलिए, वक्त जाया ना करके आगे की चढ़ाई हम प्रारंभ करते हैं। और अब हम लोग चढ़ाई के दूसरे पड़ाव में पहुँच चुके हैं और हनुमान मंदिर और काली माता मंदिर दोनों साथ साथ में मौजूद हैं। और इसी रूट से होते हुए हमें काली माता मंदिर और हनुमान माता मंदिर के ठीक ऊपर जाना पड़ेगा। और और अब हम लोग चढ़ाई के दूसरे पड़ाव में पहुंच चुके हैं और यहीं पर काली माता का मंदिर
और साथ ही साथ हनुमान जी का भी मंदिर है, साथ ही साथ मौजूद हैं, दोनों अगल बगल में ही हैं। और जो श्रद्धालु चलते चलते थक जाते हैं, उनके बैठने के लिए भी ये खास जगह बनाई गई है। आप ये ठीक सामने देखिए मेरे वीडियो में। और इस विश्राम स्थल को बनाने का श्रेय जाता है, आप ये देखिए नाम अंकित है, 2014 में निर्मित हुआ था ये। और धर्मानंद डोबरियाल और माधुरी डोबरियाल जी ने सहायता करी थी धनराशि की, ताकि यह स्थल बनाया जा सके। दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं भैरवगढ़ी मंदिर के दर्शन करने। और 1 किलोमीटर सीधी चढ़ाई चढ़ने के बाद सच कहो तो हालत ख़राब हो गई पसीने निकल गए। नीचे की तरफ दिखा देता हूँ आपको, जिस पॉइंट में इस समय मौजूद हूँ वहाँ से मैं नीचे कित के नज़ारे दिखा देता हूँ आपको। और ये सामने ठीक देखिए पहाड़, और अभी हमने ठीक ऊपर जाना है, वो आप सीधे ऊपर देखिए टावर के बगल में आपको 2-3 बिल्डिंग्स दिखाई दे रही होंगी, हमें अभी उतना ही जाना है आगे। दोस्तों चलते चलते हालत बिल्कुल ख़राब हो गई, चेहरे पे पसीना आप मेरे साफ देख पा रहे होंगे। और मैं यहाँ से आपको नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ पहाड़ का, ये देखिए ये सामने भैरवनाथ का एंट्री गेट है, ये द्वार है सामने। और यहाँ से नीचे की तरफ आप ये वैली देखिए खूबसूरत। और फ्रेंड्स 3 किलोमीटर चलने के बाद
अब हम लोग भैरवगढ़ी मंदिर के सामने पहुंच चुके हैं। ये सामने भैरवगढ़ी मंदिर है जो कि लंगूरगढ़ में स्थित है, और इस भैरवगढ़ी मंदिर के ठीक नीचे ये जो आप पहाड़ी में छोटे छोटे जो मकान देख रहे हो, ये आपका राजखिल गांव है। ये सामने आप जो पहाड़ में जो छोटे छोटे मकान देख रहे हो, ये राजखिल गांव है। और इस तरफ ये दाहिनी तरफ मंदिर के, ये पहाड़ के दाहिनी तरफ ये कुल्हाड़ी गांव है, ये राजखिल गांव और ये आपका कुल्हाड़ी गांव। और आपको मैं इस मंदिर का पूरा एरिया दिखा देता हूँ, पूरी बाउंड्री दिखा देता हूँ। ये सामने भैरवगढ़ी मंदिर, और ये इसकी बाउंड्री है भैरवगढ़ी मंदिर की। और ये विश्राम स्थल, ये नीचे सतपुली वाली रोड है। अच्छा, ये जो सामने दिख रही है सतपुली वाली रोड है। अच्छा, यहाँ पे जो गांव दिख रहा है बैर गांव है। अच्छा, ये बैर गांव है जो बिल्कुल सीध में, उससे आगे जो गहाड़ और सोलिया दिख रहा है। अच्छा, सोलिया गुमखाल से नजदीक है। अच्छा, गुमखाल से नजदीक, क्या नाम बताया आपने? गाड़ गांव और सोलिया। अच्छा, गाड़ गांव और सोलिया। फ्रेंड्स, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में कुल मिलाकर 52 गढ़ हुआ करते थे, और उन सभी 52 गढ़ों को मिलाकर गढ़वाल बना, और यह लंगूरगढ़ उन 52 गढ़ों में से एक है। और लंगूरगढ़ के बारे में एक खासियत यह है कि 18वीं शताब्दी में जब गोरखों ने गढ़वाल क्षेत्र में आक्रमण करा तो उन्होंने 51 गढ़ों में कब्जा कर लिया, लेकिन जो 52वां गढ़ था यानी कि लंगूरगढ़ था, उसमें गोरखास कब्जा नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स, ये था भैरवगढ़ी मंदिर, जो कुछ था यही है, मैंने आपको दिखाया भैरवगढ़ी मंदिर। और यहाँ तक कैसे पहुँचने वो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। आपको सबसे पहले कोटद्वार से गुमखाल जाना होगा, फिर गुमखाल से कीर्तिखाल आपको जाना होगा। गुमखाल से कीर्तिखाल 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और कीर्तिखाल जब आप पहुँचेंगे तो कीर्तिखाल से फिर ऊपर की तरफ चढ़ाई है लंगूरगढ़ी के लिए, जो कि 2 से 3 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली चढ़ाई है। फिर जब आप लंगूरगढ़ के बिल्कुल टॉप में पहुँच जाएंगे, यानी कि बिल्कुल टॉप में जाकर आपको ये भैरवगढ़ी मंदिर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।